साल था 2012, वक्त था एशिया कप। आमने सामने थे दो चीर प्रतिद्वंदी टीमें, भारत और पाकिस्तान। ना कैप्टन कूल महेंद्र सिंह धोनी, ना गौतम गंभीर और ना ही क्रिकेट जगत के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर। जहां ये बड़े बड़े दिग्गज न टिके, वहां किंग कोहली ने खेला 183 रनों की विराट पारी और पाकिस्तान को 6 विकेट से मात दिया। भारत और पाकिस्तान के बीच ये मैच आज ही के दिन यानी 18 मार्च 2012 में ढाका के शेरे बांग्ला नेशनल स्टेडियम में खेला गया था। पाकिस्तान ने टॉस जीत कर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। 50 ओवरों के खत्म होने तक 6 विकेट के नुकसान पर पाकिस्तानी टीम ने 329 रन बनाए थे। भारत को इस मुकाबले को जीतने के लिए 330 रनों की जरूरत थी। अगर बात करें पाकिस्तानी बॉलर्स की, तो उस समय उनके पास उमर गुल, शाहिद अफरीदी और सैयद अजमल की तिगड़ी थी। ये तिगड़ी उस वक्त अपने पीक पर थी और भारतीय टीम के लिए 330 रन बनाना आसान नहीं था। और फिर जवाब में उतरी भारतीय टीम से गौतम गंभीर पहले ओवर की दूसरी ही बॉल पर आउट हो गए और फिर सचिन तेंदुलकर बल्ले को तलवार समझकर पाकिस्तानी गेंदबाजों के सामने डटे रहे और उनके साथ क्रीज पर युवा बल्लेबाज विराट कोहली मौजूद थे। सचिन तेंदुलकर ने 52 रनों की अच्छी पारी तो खेली, लेकिन वो भी टीम को मुश्किल मझधार में छोड़कर चल दिए। और फिर आए विराट कोहली के साथ रोहित शर्मा और इन दोनों ने मिलकर 172 रनों की पार्टनरशिप निभाई। रोहित शर्मा ने 68 रन बनाए और उमर गुल का शिकार हुए। विराट कोहली ने ताबड़तोड़ 183 रनों की पारी खेली। इस पारी में विराट कोहली के बल्ले से 22 चौके और 2 छक्के निकले थे। उस मैच में रैना ने 12 रन तो वहीं एमएस धोनी ने 4 रन बनाए। विराट कोहली की इस पारी ने हारी हुई बाजी को जीत में पलट दी। टीम इंडिया ने 47.5 ओवर में 6 विकेट रहते उस लक्ष्य को जीत लिया। उस मैच में विराट कोहली को उनकी पारी के बदौलत मैन ऑफ द मैच से भी नवाजा गया। विराट कोहली की इस पारी को शायद ही कोई क्रिकेट फैंस भूल सकता है। कोहली ने इसके बाद इंटरनेशनल क्रिकेट में तमाम शतक लगाए, लेकिन उनका ये शतक बेहद खास था।